स्वागत है आपका फिर से अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 5 ममता के 3 दृश्यों को जाना था। आज हम हल करेंगे उसकी अभ्यास माला। तो सबसे पहले हम लेते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा जो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि रोहतास दुर्ग रोहतास दुर्ग के पास कौन सी नदी बहती थी, कौन सी नदी बहती थी। तो इसका उत्तर हम एक शब्द में दे देंगे, सोन नदी। सोन का अर्थ होता है सोन नदी, तो हम इसको लिखेंगे सोन नदी। प्रश्न 2, प्रश्न दो है, ममता किसकी दुहिता थी, ममता किसकी दुहिता थी। तो दुहिता का जो है, हमने शब्द में देखा था अर्थ, इसका प्रश्न है दुहिता का अर्थ होता है बेटी या पुत्री। तो उत्तर लिखेंगे हम मंत्री छूड़ामणि। छूड़ामणि की दुहिता थी, मंत्री छूड़ामणि की। ममता किसकी दुहिता थी, मंत्री छूड़ामणि की। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो है कि हिंदू जो विधवा थी, विधवा कौन थी, ममता की स्थिति कैसी थी। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं सोन नदी के प्रवाह मन में वेदना, मस्तक में आंधी का मतलब है उठल पुथल। जब हमारा मन शांत नहीं होता, उसमें उथल पुथल चलती है, तो उसे कहते हैं हम मस्तक आंधी। इसमें हम आंखों में आंखों में आंसू और शयन कंटक के समान था। कंटक यानी कांटा, कंटक के समान था। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे मौखिक प्रश्न। अब हम लेते हैं हमारे दूसरे प्रश्न, जो कि है सही विकल्प। सही विकल्प जिसमें हमें 3 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से हमें अपने सही उत्तर को चुनना होता है। तो सबसे पहला जो है वो पूछा गया है ममता थी। तो इसमें जो हमारे दिए गए हैं विकल्प, वो हैं बच्ची थी, अध्यापिका थी या विधवा थी। तो इसमें हमारा विकल्प जो उत्तर है वो आएगा विधवा। तो हम इस पर लगाते हैं सही का निशान। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि चूड़ामणि ने चुपचाप किसके प्रकोष्ठ में
प्रकोष्ठ यानी कमरा या कोठरी, प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, प्रवेश किया। तो इसमें हमें सबको पता है कि उन्होंने अपनी पुत्री के प्रकोष्ठ में प्रवेश किया था जब वो सोन नदी की तरफ देख रही थी। तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो आएगा ममता के। तो यानी हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ममता के, वो राइट है ममता के। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया है एक बिलप्स की तरह से कि उत्तर के धर्म जो विहार थे, धर्मचक्र विहार गुप्त मौर्यों की, गुप्त मौर्यों ने ही वो बनवाए थे इसलिए गुप्त मौर्यों की कीर्ति के खंडर थे, कीर्ति के खंडहर थे। तो इसमें भी हमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, काशी के ये हमारा राइट है। अब हम लेते हैं हमारा फोर्थ सही विकल्प, फोर्थ विकल्प हमसे पूछा गया है कि मृत्यु के समय ममता कितने वर्ष की थी। तो जो चौथा प्रश्न है मृत्यु के समय ममता कितने वर्ष की थी, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है हम सबको पता है कि वो 70 वर्ष की थी। तो हमारा उत्तर है सेकंड वाला राइट, 70। इस तरीके से हमारे सही विकल्प भी कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी हमें एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसके हमें उत्तर लिखने होते हैं। तो हमारी जो पहली पंक्ति है वो हमसे पूछी गई है कि ममता का यौवन डैश के समान उमड़ रहा था। तो उसमें हमारा जो फिलप्स है उसमें आ जाएगा शोण के समान। शोण का अर्थ होता है सोन नदी। तो नदी के समान जो है उसका यौवन क्या हो रहा था, उमड़ रहा था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो डैश व्यथित हो उठे। अब कौन व्यथित हो उठा था, चूड़ामणि। वो अपनी पुत्री को देखकर दुखी हो गए थे, तो इसलिए हमारा जो दूसरा उत्तर है वो होगा चूड़ामणि। तीसरा जो हमारा फिलप उनसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि एक बार जाने के बाद, एक पहर बीत जाने के बाद वापस वो किसके पास आए, कौन मंत्री। तो इसमें क्या आएगा उत्तर हमारा, ममता के पास, जो उनकी पुत्री थी। तो ममता के पास वो एक पहर बीत जाने के बाद दोबारा आए थे। फिर चौथा है हमारा कि स्वर्ण का जो पीलापन था उसके कारण जो सुनहरी संध्या थी, जो शाम का समय था, उसमें क्या होने लगा। तो यहाँ पर आएगा विकीर्ण होने लगा। फिर है हमारा नंबर 5 जिसमें कि दो फिलप्स पूछे गए हैं कि एक डैश और डैश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। यानी जब झोपड़ी के बाहर जब वो मुगल पहुंचा था, तो जब वो जो ममता थी वो एक दीपक की रोशनी में मंत्रोच्चारण कर रही थी, तो उस रोशनी में उसकी आकृति उसको दिखाई दी थी। तो वो कैसी थी, तो उसमें हमारा आएगा उत्तर हताश। पहले भीषण आएगा, भीषण, और दूसरा जो फिलप्स है उसमें आएगा हताश। तो इस तरीके से हमारे फिलप्स कंप्लीट हो गए। अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, किसने कहा। तो कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाती है हमें और पूछा जाता है, वो एज इट इज होती है।
किसने कहा कि जो स्टेटमेंट होगी बच्चों वो पाठ में आई हुई सेम पंक्तियां होती है जो हमसे पूछी जाती हैं। तो इसमें जो पहली पंक्ति है वो पूछा गया है कि यह क्या है पिताजी, तो उसमें आपको सबको उत्तर पता होना चाहिए यह क्या है पिताजी। अभी किसने पूछा होगा, ममता ने, तो उत्तर आ गया हमारा ममता ने। सेकंड उत्तर है हमारा, सेकंड जो है वो स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है कि इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया, वो भी किसने पूछा, पुत्री ममता ने, ममता ने पूछा था। फिर तीसरा जो हमारा है जो पूछा गया है कि यह महिलाओं का अपमान है, ये कब बोला गया था, महिलाओं का अपमान है जब चूड़ामणि ने जो दुर्ग है उसके गेट पर आने वाली जो डोलियां थी उनको रोका, उनका आवरण हटाना चाहा, तो किसने बोला था, पठान ने, पठान ने। फिर चौथा है पूछा गया है कि माता मुझे आश्रय चाहिए, अब ये किसने बोला था, मुगल ने, किससे बोला था, ममता से ही बोला था क्योंकि वो रात भर उनकी झोपड़ी में विश्राम करना चाहता था। फिर जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट इसमें हमसे पूछी गई है वो कही गई है कि ये घटना भी तो 47 वर्ष पुरानी है, तो ये बात किसने कही थी, जो अश्वारोही अंत में वहाँ पहुँचा था एक नक्शा लेकर, उसने कहा था कि ये जो घटना है वो तो 47 वर्ष पुरानी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सॉरी अश्वारोही ने, अश्वारोही ने। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम लेते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि ममता कौन थी और वह दुर्ग में क्या कर रही थी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि, चूड़ामणि की दुहिता थी, दुहिता मतलब पुत्री थी, दुहिता थी और वह दुर्ग में खड़े होकर दुर्ग में खिड़की पर, खिड़की पर खड़े होकर होकर सोन नदी को, सोन नदी को देख रही थी। ये हमारा पहला उत्तर कंप्लीट। अब इसी तरीके से हम देते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जो चूड़ामणि थे वो पहली बार प्रकोष्ठ में जब आए तो ममता को क्यों नहीं पता चल पाया, ममता क्यों नहीं जान सकी कि उसके पिता उसके कमरे में आए थे। तो इसका हम क्या उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि ममता शोण के प्रवाह में, शोण के प्रवाह के कलनाद में, कलनाद में अपने जीवन का मेल कर रही थी, यानी अपने जीवन की जो वेदना है उससे मेल कर रही थी, मेल कर रही थी, तो इसलिए वो अपने पिता का आना भी नहीं देख पाई। अब है उत्तर तीन। थर्ड जो प्रश्न हमसे पूछा गया बच्चों वो पूछा गया है कि दूसरे बार जब जो चूड़ामणि मंत्री जो थे वो जब ममता के कक्ष में गए तो उनके साथ क्या था या वो साथ में क्या लाए। तो इसमें हम लिखेंगे कि दूसरी बार चूड़ामणि के साथ दस सेवक थे
जिनके हाथों में चांदी के थाल सोने से भरे कपड़े से ढके हुए थे। इस तरीके से हमारे तीन उत्तर कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे पूछा गया है कि चूड़ामणि की मृत्यु जो है वो किस प्रकार हुई। तो आप सभी को पता है कि जो शेरशाह है उसके छल के कारण, क्योंकि उसने जो डोली थी उन डोली में पठानों को छुपाकर और उनको महिला बताकर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर रहा था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूड़ामणि की मृत्यु शेरशाह के छल के कारण हुई, छल के कारण हुई। तो इस तरीके से ये हमारा चौथा आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं आंसर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो पूछा गया है कि पथिक के जब दूसरे दिन ममता की जो वो जो झोपड़ी थी या जो कुटिया थी उस समय जाते समय उसने अपने जो उनके जो सैनिक उनको लेने आए थे मिर्जा से क्या कहा था। तो उसमें एज इट इज वही लाइन आ जाएगी जो उस मुगल ने यानी हुमायूं ने कही थी। तो मुगल ने कहा, मुगल ने कहा था मिर्जा मैं उस बुढ़िया को, मैं उस बुढ़िया को कुछ नहीं दे पाया, कुछ नहीं दे पाया। तुम उसका मकान बनवा देना क्योंकि मैंने यहाँ, मैंने यहाँ एक रात शरण ली है, भूलना मत। तो ये जो बात है वो मुगल ने किससे कही थी, अपने अश्वारोही अपने मित्र मिर्जा से कही थी कि अब मैं जा रहा हूँ लेकिन मैंने यहाँ शरण ली है और मैं उस बुढ़िया के लिए कुछ भी नहीं कर पाया या उसको दान दक्षिणा जो देनी चाहिए वो भी मैं कुछ भी नहीं दे पाया हूँ। तो तुम इस झोंपड़ी की जगह उसका घर बनवा देना। अब है कि अंत में जब ममता की झोंपड़ी की जगह जो वर्षों बाद जो है क्या बना और उस पर क्या लिखा गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षों बाद ममता की झोपड़ी के स्थान पर अष्टकोण गगनचुंबी मंदिर का निर्माण कराया गया उस पर लिखा था यहाँ सातों देश के राजा हुमायूं जो थे, हुमायूं
उन्होंने एक रात आश्रय लिया था। उनकी याद में यह उनके पुत्र अकबर ने बनवाया, ये उस पर लिखा गया था। तो इस तरीके से हमारी जो अभ्यास माले के जो प्रश्न हैं वो सारे जो है वो फिनिश हो गए। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि जो हमारी स्टोरी है, अगर हमने उसके दृश्य 1, 2, 3 अगर हमको हमने अच्छे से पढ़ा है तो हमें जो अभ्यास माला है उसको हल करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। अब जो हमारा लास्ट जो प्रश्न बचता है वो होता है चैप्टर में से ही आपको कोई भी एक पैराग्राफ उठाकर दे दिया जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, एज इट इज़ वो लिखा जाता है और उसी में से आपको उसी से रिलेटेड उस घटना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम कहते हैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। तो पाठ में जो ये जो आपका जो गद्यांश दिया गया है वो दिया गया है चौसा और पठान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के जो दिन बीत रहे थे उसके बाद जो ममता थी अब 70 वर्ष की हो चुकी थी और वो जब अपनी झोपड़ी में अंतिम सांसें गिन रही थी तब जो अश्वारोही वहाँ आया था और उसने ममता की सेवा के लिए गांव की जो स्त्रियाँ वहाँ बैठी थी और वो उनके सुख की आजीवन जो सहभागिनी रही थी ममता, उसने उस अश्वारोही की आते हुए देखा था और उसको वहीं पर लेटे लेटे उसने बुलाया था। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपको एज इट इज बुक का दे दिया गया है और अब इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर भी हम कर लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि किस युद्ध के बहुत दिन बीत गए थे, तो हमारा जो पहला उत्तर होगा वो होगा चौसा का युद्ध। और किसके बीच में था ये चौसा का युद्ध, इसको बहुत दिन बीत गए थे, जो कि किसके बीच हुआ था, पठानों और मुगलों के बीच, जिसमें जो है हुमायूं घायल अवस्था में वृद्धावस्था उसके ममता की झोपड़ी में आए थे, तो चौसा का युद्ध। दूसरा प्रश्न जो है वो है कि ममता कहाँ पड़ी थी। अब आपको मालूम है कि जब कोई महिला का जब अंतिम समय चल रहा है तो वो कहाँ पड़ी होगी, तो कहाँ पर पड़ी थी, झोपड़ी में। झोपड़ी में कहाँ पड़ी थी, झोपड़ी में। अब तीसरा प्रश्न जो है वो पूछा है कि ममता की सेवा के लिए कहाँ की और कितनी स्त्रियाँ उसे घेर कर बैठी थी। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि जब ममता जो थी वो जब खुद स्वस्थ थी, जब युवा थी वो, तो उसने वहाँ की गांव की महिलाओं की उसकी बहुत सेवा की थी। तो इसमें कहा गया है कि कहाँ की स्त्रियाँ, तो सबसे पहला जो उत्तर है वो तो हमारा हो जाएगा कि गांव की 2-3 स्त्रियां ममता को घेर कर बैठी थी। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारी अभ्यास वाला कंप्लीट हो गई। तो ये सारे प्रश्न बच्चों आप पढ़ करके देखेंगे, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। आशा है कि आपको पूरी जो स्टोरी है वो भी समझ में आ गई होगी। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।